अगला सवाल है, क्रेंज आकार की कौन से पौधों में होती है? क्रेंज आकार की कौन से पादपों में पाई जाती है? क्रेंज आकार की कौन से पादपों में पाई जाती है? तो आपको बताना है C4 पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? C4 पौधों में पाई जाती है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का क्या होता है? अपचयन या ऑक्सीकरण? प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 व जल का क्या होता है? CO2 और जल का क्या होता है? तो अपन को बताना है CO2 है, उस CO2 का क्या होगा? CO2 में से ऑक्सीजन CO2 है वो बदल जाएगी C6H12O6 में, और जल है वो उसमें इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जल का तो आपको बताना है, जल का क्या होगा? जल का आपको बताना है ऑक्सीकरण होगा। जल का क्या होगा? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और CO2 का क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? अपचयन। यानी ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन है और जल है, इसमें से ऑक्सीजन है वो जुड़ रही है, तो अपन कह रहे हैं ऑक्सीकरण। और CO2 का अपचयन हो रहा और भोजन बन रहा है, तो CO2 का क्या होगा? अपचयन होगा। और जल का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड है, उसका अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड का अभिक्रिया केंद्र क्या होता है? इसका होता है 700, इसका होता है 680। क्या होता है? अभिक्रिया केंद्र का नाम बताओ। प्रकाश संश्लेषण फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है और फोटोसिस्टम सेकंड है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है और फोटोसिस्टम सेकंड है, उसमें अभिक्रिया केंद्र का नाम पूछा है, अभिक्रिया केंद्र का नाम पूछा है, तो अभिक्रिया केंद्र का नाम बताना है 700 और 680। फिर अगला सवाल आपको बताते हैं, क्या क्वेश्चन अगला? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश श्वसन कौन से पादपों में होता है? प्रकाश श्वसन कौन से पादपों में होता है? C3 में या C4 में? प्रकाश श्वसन कौन से पादपों में होता है? तो आपको बताना है केवल C3 पादपों में ही पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? C3 पौधों में प्रकाश श्वसन पाया जाता है। प्रकाश श्वसन कौन से पौधों में होता है? C3 पौधों में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रकाश श्वसन केवल C3 पादपों में ही होता है, C4 में प्रकाश श्वसन का अभाव होता है। प्रकाश श्वसन का क्या होता है? अभाव होता है, ये ध्यान रखना मेन। इसके कारण उत्पादन किसमें ज्यादा होगा? उत्पादन आपको बताना है C4 में ज्यादा होगा। उत्पादन किसमें ज्यादा होगा? C4 में ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये अपने छोटे छोटे सवाल चल रहे हैं, ये छोटे छोटे सवाल आप लोगों को आ रहे होंगे, आप लोग याद करते जाओ और लिखते जाओ, आपको पूरी यूनिट से वो रिवाइज हो जाएगी। अगला सवाल थोड़ा भारी है, ऐसे श्वेतपोषी जीव का नाम बताइए जिसमें हरित लवण अनुपस्थित रहता है। क्वेश्चन है अगला, ऐसे श्वेतपोषी जीव का नाम बताइए, ऐसे श्वेतपोषी जीव का नाम बताइए जिसमें हरित लवण अनुपस्थित होता है। जिसमें हरित लवण क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उत्तर है साइनोबैक्टीरिया। क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये श्वेतपोषी होता है, ठीक है, लेकिन इसमें हरित लवण अनुपस्थित होता है। अगला सवाल, ऐसे दो पादपों के नाम लिखिए जिनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं। ऐसे दो पादपों के नाम लिखिए जिनमें रंध्र रात्रि को खुलते हैं। रंध्र क्या होते हैं? रात्रि को खुलते हैं। ऐसे रंध्रों को कहते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। सवाल आता है तिमिर सक्रिय रंध्र क्या है? तिमिर सक्रिय रंध्र क्या है? तो तिमिर सक्रिय रंध्र मतलब, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या रात। ऐसे रंध्र जो रात को खुलते हैं, ऐसे रंध्र जो रात को खुलते हैं और दिन को बंद रहते हैं, दिन को और क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, उन्हें कहते हैं तिमिर सक्रिय रंध्र। ऐसे रंध्र जो रात्रि को खुलते हैं, उन पादपों के नाम आपको बताने हैं। नाम है नागफनी है, अगेव है। क्या है? नागफनी हो गया, अगेव हो गया, मांसल पादप है जिनमें केम साइकिल होता है, ठीक है, नागफनी है, अगेव है। अगला सवाल आपके सामने, हिल अभिक्रिया के तीन उत्पाद बताइए। हिल अभिक्रिया के तीन उत्पाद, हिल अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया को कहते हैं। हिल अभिक्रिया के उत्पाद के नाम बताइए। हिल अभिक्रिया में क्या बनता है? हिल अभिक्रिया को प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के उत्पाद बताइए। प्रकाशिक अभिक्रिया का पहला उत्पाद होता है ऑक्सीजन,
दूसरा होता है एटीपी और तीसरा होता है एनएडीपीएच2। ठीक है, अगला सवाल अपने सामने है। सी3 पादपों में प्रथम CO2 ग्राही, सी3 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही, तो RUBP क्या है? RUBP। ठीक है, फिर अगला है सी4 पौधों में प्रथम CO2 ग्राही, कौन है? पेप। कौन है? पेप। ये ध्यान रखना, फास्फोइनोल 5-8। खेम चक्र किन पौधों में होता है? तो इसका एग्जाम सेम आएगा, नाफनी अगेव। ऐसा सवाल आ सकता है, खेम चक्र क्रुसिलेरियन एसिड मेटाबॉलिज्म कौन से पादपों में होता है? नाफनी अगेव। क्या है? नाफनी अगेव है। अगला सवाल है लाल पतंग क्या है, रेड ड्रॉप क्या है? अगला क्वेश्चन है लाल पतंग क्या है? ये पर्ण है, इस पर्ण के ऊपर 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण गिराई, प्रकाश संश्लेषण रुक गया, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गया, प्रकाश संश्लेषण की दर में क्या आगे गिरावट आ गई, इसको कहते हैं लाल पतन। छोटी सी बात है, लाल पतन क्या है? पर्ण पर एक वर्णी दूरस्थ लाल प्रकाश, पर्ण पर एक वर्णी दूरस्थ लाल तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश गिराया गया, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई, इसको कहते हैं लाल पतन। छोटी सी परिभाषा है, ये पर्ण है, पर्ण के ऊपर एक वर्णी का मतलब एक रंग, कौन सा रंग है? दूरस्थ लाल तरंग दैर्ध्य, यानी 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण गिराई, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई। तो अगला सवाल है इमर्शन वर्धीकरण प्रभाव क्या है? पर्ण के ऊपर 680 के साथ में 650 नैनोमीटर विकिरण गिराई, 680 गिराई और साथ 650 भी गिराई, प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ गई, प्रकाश संश्लेषण की दर कितने गुना बढ़ गई, इसको कहते हैं इमर्शन वर्धीकरण प्रभाव। इसका कारण यह है कि इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट ही काम आता है, इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड दोनों काम आते हैं, यानी जब ये 680 और 650 दोनों विकिरण गिरे तो फोटोसिस्टम दोनों काम आए और प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ी। ठीक है, और इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट ही काम आया केवल, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ गई, इसको कहते हैं लाल पतन। इमर्शन वर्धीकरण का प्रभाव क्या है? प्रकाश संश्लेषण की दर 2 से 3 गुना बढ़ना। अब अगला सवाल है सी3 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या है, और सी4 चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद ऑक्सलोएसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना है। कौन सा ऐसा वर्णक है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है सर्वात्रिक वर्णक है? तो क्लोरोफिल ए उत्तर होगा पर्णहरित ए सर्वात्रिक वर्णक है, और पर्णहरित बी सहायक वर्णक है और सर्वात्रिक वर्णक कौन सा है पर्णहरित ए है। आप लोग प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, क्या है कुछ प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, रिपीट जो होते हैं आपको याद हो जाएंगे साथ साथ में पक्के। प्रकाश संश्लेषण में सहयोगी वर्णक कौन से होते हैं
वर्णक कौन से होते हैं? बताओ बच्चों कौन से होते हैं, कौन से होते हैं? उत्तर है फाइकोबिलिन्स। क्या है? फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स। उत्तर है फाइकोबिलिन्स और कैरोटीनॉइड्स, ये सहायक वर्णक का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीव मंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन, जीव मंडल में, ये सवाल आ रखा है नीट के अंदर, जीव मंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाला, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन, सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? उत्तर है रूबिस्को। क्या है? रूबिस्को, राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम। रूबिस्को क्या है? रूबिस्को एंजाइम है, राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। राइबुलोज, राइबुलोज बाई फॉस्फेट, राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्या है? राइबुलोज बाई फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, इसका पूरा नाम है, रूबिस्को का पूरा नाम भी पूछा जाता है। फिर अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण एक नष्टकारी, प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है क्यों? प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है क्यों? प्रकाश श्वसन एक नष्टकारी अभिक्रिया है क्यों? तो आपको बताना है, प्रकाश श्वसन नष्टकारी अभिक्रिया इसलिए है क्योंकि इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा नहीं बनती है, इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है, ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, ये ध्यान रखना है। क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। अगला सवाल है, अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन में, अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? अनोक्सी श्वसन में कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? उत्तर है 2 एटीपी। क्या है? 2 एटीपी। अगला सवाल है, जीवद्रव्य श्वसन में, श्वसन में क्रियाधार कौन है? पहले मैंने बता रखा है, बताओ बच्चों जीवद्रव्य श्वसन में क्रियाधार का नाम, जीवद्रव्य श्वसन में क्रियाधार का नाम बताओ, जीवद्रव्य श्वसन में क्रियाधार का नाम बताओ। उत्तर है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 एटीपी। कितने एटीपी? 2 एटीपी का। कितने एटीपी का? 2 एटीपी का। पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कहां होता है? पाइरुविक अम्ल से, पाइरुविक अम्ल से, पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कहां होता है? पाइरुविक अम्ल से एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण कहां होता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है? कोशिका के कोशिका दर में, कोशिका के कोशिका दर में। कहां होता है? कोशिका के कोशिका दर में होता है। योजक कड़ी का नाम क्या है? योजक कड़ी का नाम आपसे पूछा गया, योजक कड़ी का नाम बताओ। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम, ग्लाइकोलाइसिस,
ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के बीच की योजक कड़ी का नाम है एसिटाइल को एंजाइम ए। क्या है? एसिटाइल को एंजाइम ए, एसिटाइल को एंजाइम ए। पांच सहकारक जो योजक कड़ी के निर्माण में काम आते हैं, पांच सहकारक के नाम बताओ, पांच सहकारक के नाम बताओ, पांच सहकारक के नाम बताओ जो योजक कड़ी में काम आते हैं, बताओ बच्चों क्या होगा। पहला है थायमिन पाइरोफॉस्फेट, दूसरा है लिपोइक एसिड, तीसरा है एसिटाइल को एंजाइम ए, चौथा है मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, और पांचवा एनएडीपी, क्या है एनएडी, एनएडी। तो ये पांच सहकारक है जो काम आते हैं योजक कड़ी के निर्माण में, थायमिन पाइरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड, कोएंजाइम ए, मैग्नीशियम और एनएडी। क्या है? पांच सहकारक ये हो गए। अगला सवाल है योजक कड़ी में कुल कितने एटीपी बनते हैं, 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 कुल कितने एटीपी बनते हैं। तो आपको बताना है 6 एटीपी बनते हैं, कितने एटीपी, 6 एटीपी बनते हैं योजक कड़ी में। अगला सवाल है क्रेब्स चक्र का प्रथम स्थायी उत्पाद क्या है, 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 बताओ बच्चों क्या है, सिट्रिक एसिड, क्या है सिट्रिक एसिड, क्या है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो सिट्रिक अम्ल बनता है। अगला सवाल है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, 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 बताओ बच्चों क्या है, पाइरुविक अम्ल, क्या है पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल। ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरुविक अम्ल।